नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक साल हुआ पूरा। आज इस मौके पर पीएम मोदी देश भर की शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। शाम करीब 4:30 बजे कार्यक्रम है। पहाड़ों पर बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हुई। हिमाचल में 14 तो जम्मू कश्मीर में 8 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज भी बरसात का अलर्ट है। उत्तर भारत में भारी बरसात की आशंका। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। यूपी में आज बरसात और तूफान के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन बेहद खास। कोरोना पर आईसीएमआर में सीरो सर्वे रिपोर्ट में भारत के 11 राज्यों के कम से कम 2/3 आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी पाए जाने का दावा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 79% तो केरल में सबसे कम 44% सीरो प्रेविलेंस। 5 अगस्त से पहले महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में खेला इमोशनल कार्ड। कहा, तमाशा देखना अच्छी बात नहीं, अभी भी समय है, जाग जाओ। केंद्र को फिर दी पाकिस्तान से बात करने की सलाह। असम और मिजोरम के बीच चल रहे सीमा विवाद में दोनों राज्यों की सरकार ने बातचीत पर जताई सहमति। गृह मंत्रालय के दखल के बाद दोनों राज्यों ने लगातार बैठकें करने का फैसला लिया। एससीओ देशों की बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, आतंकवाद का समर्थन करना मानवता के खिलाफ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में दिया बयान। दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर केजरीवाल सरकार ने मांगे सुझाव। अभिभावकों से 100 शब्दों में सुझाव लिखकर देने को कहा गया। इस मुद्दे पर 5 लाख से ज्यादा अभिभावक टीचर्स से कर चुके हैं मुलाकात। यूपी में पकड़े गए अलकायदा आतंकवादियों को लेकर एटीएस का नया खुलासा। प्रेशर कुकर बम बनाने के लिए माचिस की तीलियों से बारूद इकट्ठा कर रहे थे आतंकवादी। आतंकियों के पास से 250 से ज्यादा की संख्या में माचिस की डिब्बियां बरामद हुई हैं। झारखंड के धनबाद में एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में हत्या के एंगल से मामले की जांच करेगी पुलिस। बुधवार सुबह वर्क से लौट रहे एडीजे उत्तम आनंद को ऑटो ने मारी थी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई फुटेज। हत्या का शक